बरसात का मौसम चल रहा है, धूप बिल्कुल भी नहीं निकल रही है, लेकिन जो बने हुए अचार हैं नमी के कारण ख़राब हो रहे हैं, उसमें फफूंद लग जा रहा है। वैसे तो मैंने बहुत सारे अचार की वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की है कि अपने ख़राब होते हुए अचार को कैसे ठीक किया जाए, लेकिन उसमें धूप ज़रूरी मैंने बताया है। उस पर मुझे बहुत सारे कमेंट आए थे कि मैडम लेकिन इस समय तो धूप निकल ही नहीं रही है। तो आज का अचार हम बिना धूप के बहुत ही आसानी से 5 मिनट में ठीक कर लेंगे। जिसमें फफूंद लग गई है उस अचार को भी हम ठीक कर सकेंगे इस तरीके से। वीडियो को अच्छे से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि ख़राब होते हुए अचार को कैसे ठीक किया जाता है। तो सबसे पहले जो अचार आपका ख़राब हो रहा है उसे ले लीजिए। यहाँ पर मेरा अचार था पहले से, इसमें से बहुत सारे अचार खा के ख़त्म हो चुके थे। थोड़ा सा पीछे का जो बच गया था ना, मुझे लगता है कि गीला चम्मच वगैरह लगने की वजह से इसमें फफूंद लग गई है। तो यहाँ पे आप साफ देख सकते हैं कि इसमें फफूंद लग चुकी है। तो इसमें बहुत थोड़ी सी फफूंद लगी है। तो सबसे पहले तो जिसमें फफूंद लगी है उसको निकाल दीजिए। सबसे पहले अपने अचार के टेस्ट और स्मेल को आप चेक कर लीजिए। अगर स्मेल बहुत बुरी आ रही है, टेस्ट ख़राब आ रहा है, तो वो अचार ठीक करने लायक नहीं होता, उसको फेंक देंगे तो ही अच्छा होगा। लेकिन अगर टेस्ट और स्मेल अच्छा है, थोड़ी बहुत ऊपर ऊपर फफूंद लगी है ना, तो ऊपर जो फफूंद लगा हुआ है उसको निकाल के हटा दीजिए, और बाकी जो ये बचा हुआ अचार है ना, इसको किसी बड़े बर्तन में पलट लीजिए। ये अचार ज़्यादा ख़राब नहीं हुआ है, अगर धूप होती तो ये धूप से ही ठीक हो जाता, लेकिन इस समय धूप बिल्कुल नहीं निकल रही है। तो सबसे पहले हम सरसों का तेल धुआं वाला गरम करेंगे और अपने अचार की क्वांटिटी के अनुसार उसमें सरसों का गरम गरम तेल डालेंगे। एकदम धुआं वाला तेल गरम करना है और फिर उसमें डाल देना है। बाकी जो ये तेल है ना, उसको मैं बचा लूँगी, बाद में ठंडा होने के बाद डालूँगी, क्योंकि अचार थोड़ा सा ही, तो थोड़ा सा ही तेल मैंने डाला है। अच्छी तरह से तेल मिलाने के बाद अब यहाँ पर ले लेना है एसिटिक एसिड। ये 26 रुपया का बाज़ार में मिल जाता है बहुत ही आसानी से, और इस पर साफ लिखा हुआ है कि अचार को सड़ने से बचाता है ये। ये अचार को खट्टा भी करता है, और अगर अचार बहुत कड़ा है तो उसको गलाने का काम भी ये करता है। इस तरह की पैकेजिंग में आता है ये, और ये 5 किलो अचार के लिए है पूरी बॉटल 25 ml की। तो हमारा अचार बहुत ही थोड़ा सा है, मुश्किल से आधा किलो से कम का होगा ये अचार, क्योंकि मैंने 1 किलो अचार बनाया था उसमें से बहुत सारा अचार खा चुके हैं हम लोग, थोड़ा सा पीछे का बचा हुआ है, तो इसीलिए मैं एकदम थोड़ा सा इसमें डाल रही हूँ। जो घर पे हम लोग खाने के लिए चम्मच यूज़ करते हैं ना, उसी चम्मच से मैंने 1/4 चम्मच इसमें डाला हुआ है। आप अपने अचार की क्वांटिटी के अनुसार इसमें एसिटिक एसिड मिला सकते हैं, और बस इसे मिलाने से ही जो अचार आपका ख़राब हो रहा है ना, अब इसके बाद ये ख़राब नहीं होगा। अब इस अचार को एक साफ़ सूखे बॉटल में रख लेना है। पुराने वाले बॉटल में अचार ख़राब हो रहा, तो उस बॉटल में हम इसे फिर से नहीं रखेंगे। एक नया बॉटल मैंने ले लिया है और उसे गर्म पानी से धो के सूती कपड़े से अच्छी तरह से पोंछ लिया है। उसमें थोड़ा भी पानी वगैरह नहीं लगा होना चाहिए, और अगर धूप हो तो धूप में सुखा लीजिए, धूप ना हो तो साफ़ सूती कपड़े से ज़ोर ज़ोर से पोंछ लीजिए, तो भी आपका बॉटल सूखा हो जाएगा। और फिर सूखे बॉटल में इस अचार को रखिए। ये अचार आपका बिल्कुल ठीक हो चुका है, खाने के लायक हो चुका है। जो हम बाज़ार से अचार लाते हैं ना, अचार जाम मुरब्बा, उसमें भी एसिटिक एसिड डला होता है, इसीलिए वो जल्दी ख़राब नहीं होता है। और ये जो बाकी सरसों का तेल बचा हुआ है ना ठंडा, उसे हम डाल देंगे। तो अगर आपका अचार ज़्यादा है तो थोड़ी ज़्यादा मात्रा में सरसों के तेल को गर्म करिए और तेल ऊपर तक भर दीजिए। अचार में तेल ऊपर तक होता है ना, तो अचार जल्दी ख़राब नहीं होता है। अगर आपके अचार में नमक कम हो तो आप नमक भी इसमें मिला सकते हैं, थोड़ा सा बढ़ा के, क्योंकि नमक भी प्रिजर्वेटिव का काम करता है। तो नमक मिलाने से भी अचार कुछ हद तक ठीक हो जाता है। और बरसात का सीज़न चल रहा है तो अपने अचार को बीच बीच में चेक करते रहिए। थोड़ा बहुत अगर अचार ख़राब हो रहा है तो उसको ठीक किया जा सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है ना अचार, तो उसको ठीक करना मुश्किल हो जाता है, और उसका टेस्ट भी ख़राब होता है, तो ठीक करने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो इस तरह से आप अपने ख़राब होते हुए अचार को ठीक कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा।